ये डे सबसे ज़्यादा स्पेशल आदमियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारी वाइफ्स हैं, हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो हमारी वजह से सुरक्षित महसूस करें, फ्री महसूस करें और बिंदास होके कहें कि एक ही दिन नहीं 365 दिन वुमेंस डे है और आप ही के कारण हम हैं, हमारे कारण आप नहीं हैं। I am very happy and proud of being a woman. And I mean, there's a fact that until date, we haven't reached the level where, you know, women and men are considered as equal, which is very sad and very upsetting. But I hope as a day like this will continue to make the awareness that we still have to work towards the equalness, that both women and men respect each other, we have the same level, we are all just humans. वुमेंस डे स्पेशल है क्योंकि एक दिन, जैसे कि हर त्यौहार होता है होली पर हम सब सारे काम छोड़कर होली मनाते हैं, वैसे ही ये वुमेंस डे सिर्फ इसलिए मेरे ख्याल से मनाया जाता है ताकि वो एक दिन तो ऐसा हो जब सब एकजुट हो जाएं, बाकी सारे काम छोड़ के इस चीज़ को सेलिब्रेट करें कि वुमेनहुड कितना स्ट्रांग है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना अनिवार्य है, कितना ज़रूरी है मैनकाइंड के लिए। जी, ऐसा अक्सर हमने देखा है और ऐसा होता आया है, बट आई होप हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, जो हम इतने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, हम कहीं ना कहीं ये मैसेज भी स्प्रेड कर सकें कि हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स और जिन्होंने हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है, उनकी हेल्थ पे हम पहले ध्यान दें, जिस तरह हम खुद अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हम कुछ ना कुछ करके लाइफ और फिटनेस उनके लिए भी एंटरटेनिंग बनाएं ताकि वो भी फिट रह सकें, वो भी खुश रह सकें और दिलचस्पी से और एक कंप्लीट फ्री और हेल्दी तरीके से, जिस तरह उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, जिस तरह माँ हमेशा ध्यान रखती है कि मेरे बेटे ने खाया कि नहीं, बहन ध्यान रखती है मेरा भाई घर आएगा तो मैं उसके साथ खाना खाऊँ, उसी तरह ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि मेरी माँ सही उम्र में सही खाना खा रही है, उसके लिए मैं फिटनेस के किस तरह इंतज़ाम करूँ कि उसे भी मज़ा आए। उनकी जनरेशन को जिम जाने में शायद मज़ा नहीं आता, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, शायद हम उनके साथ मॉर्निंग वॉक्स पर जा सकते हैं, शायद हम उनके साथ जूहू बीच घूमने जा सकते हैं, हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें भी फिटनेस में और हेल्दी एक लाइफस्टाइल में दिलचस्पी हो। तो आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें आज ये प्रण लेना चाहिए कि हम ये सब करेंगे। कानून तो बिल्कुल सख्त नहीं है हमारे देश में, ये तो मेरे ख्याल से कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, क्योंकि लॉ का तो भय ही नहीं है इस कंट्री में। लोग, अगर आप आज गाड़ी लेके सड़क पे निकले तो आपको दिखाई देगा कि लोग गाड़ी किस तरह चलाते हैं, ट्रैफिक का डर नहीं है, किसी से भी लड़ पड़ते हैं, पुलिस का डर नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हमें पता लगता है, अगर लॉ का डर होता तो ये इतने जो केसेस आ रहे हैं, लड़कियां जो इतना घबराती हैं दिल्ली में रात को घर से बाहर निकलने से पहले, इवन अब तो बॉम्बे में ऐसा हो गया है कि शाम को थोड़ा लेट हो जाओ तो अब मम्मी फ़ोन करती है, पहले ये होता था कि नहीं बॉम्बे से। तो या लॉ इज़ बी ऑल यू ब्यूटिफुल गर्ल्स, वीमेन, लेडीज, यू लवली लवली फीमेल स्पीशीज आउट देयर, यू आर मोस्ट ब्यूटिफुल, यू आर मोस्ट स्पेशल एंड यू आर यूनिक, सो सेलिब्रेट योर सेल्फ every day, not only on one day, but today is Women's Day, so rock it, enjoy and love yourselves.